उत्तराखंड तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। महाराष्ट्र से शुरू हुई हनुमान चालीसा पाठ की आग की लपटें अब हरिद्वार तक पहुंच गई हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोककर संसद के नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जेल भेजने के विरोध में राठी चौक पर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और बाद में उद्धव ठाकरे के पुतले का दहन किया। ये देखिए, जैसे कि मुगलों के साम्राज्य में हुआ करता था, वही काम आज महाराष्ट्र की सरकार में हो रहा है। पहले भी हम जनेऊ नहीं पहन पाते थे, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते में हो रहा है, क्योंकि जो बाला साहब के विचार थे उस विचार से बहुत दूर हैं। और मैंने पहले भी कहा है, मुझे नहीं लगता बाला साहब ठाकरे के संतान है उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है उनके सच्चे वारिस राज ठाकरे। बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं हमेशा हिंदूवादी को लेकर मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता, मैं हर एक उस हिंदू समर्थक पार्टी का समर्थन करता हूँ जो हिंदुओं का साथ देती है। मैं राज ठाकरे का भी समर्थन करूँगा और जो नवनीत राणा और रवि राणा है, दोनों निर्दलीय विधायक और निर्दलीय सांसद हैं, तो मैं उनका भी समर्थन करूँगा। उन्होंने क्या हनुमान चालीसा की तो मांग की है, और मुझे लगता आज यदि बाला साहब ठाकरे उनका स्वागत करते कि आप आइए, उद्धव ठाकरे उनका स्वागत करते, आइए हम आपका स्वागत करते, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मुझे लगता है उद्धव का क्रेज बढ़ता, उद्धव ठाकरे जी का। लेकिन जेल में भेजने से उनका सेकुलरिज्म का जो फेस है, जो कांग्रेस के साथ उन्होंने पैचअप करके अपनी छवि को बनाया, वो सामने आ रही है। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, और मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा उसी पार्टी का समर्थन करें जो केवल हिंदुओं का समर्थन करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो नवनीत निर्दलीय के रूप में नवनीत राणा हो या रवि राणा हो, में ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचन है, और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही हिंदू तो हो ही नहीं सकते। जो हिंदू होगा वो सदा ही हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि सभी के संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं। और जो हनुमान चालीसा के ऊपर ऐसे ऐसे विवाद खड़े कर रहे हैं वो निश्चित ही देशद्रोही हैं, उनके ऊपर उल्टा इस तरह का मुकदमे चलने चाहिए देशद्रोह के। क्या बेचारे इस समय जेल में उन्हें कर रखा है महाराष्ट्र में? ठाकरे जो हिंदूवादी अपने आप को बताते थे, उन्होंने इस तरह उसके राज्य में ये सब हो रहा है। बाबा साहब ठाकरे जो थे वो हिंदू थे, लेकिन जो अब हमारे ठाकरे जी बैठे हैं, इन्होंने तो आपने पिछले कुछ दो साल पहले तीन साल पहले पाल घर के अंदर संतों की निर्मम हत्या हुई थी, उन्होंने कोई एक्शन लिया था? वो हिंदू अपने आप को कैसे गिन सकते हैं जो अपनी जिन्होंने अपनी विचारधारा तक हिंदुओं से अलग कर ली? तो क्या कहना चाहेंगे गुरुजी, इनकी जीन अलग है, जो ठाकरे जी की जीन थी वह जीन नहीं है इनकी? ये सत्ता के लोभी लोग हैं। जो सत्ता के लोभी लोग होते हैं वो कभी भी सत्ता के लिए ही सोचते हैं कि मैं सत्ता में कैसे रहूं, बस उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी तरह का कोई धर्म से मतलब नहीं। कोई बाबा साहब ने तो अपने लिए अपने आप को इतनी सेवा की, शिवसेना को खड़ा किया, और उन्होंने तो कहा था अगर सेना आगे नहीं जाती तो हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए, हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार है, हमारी शिवसेना लड़ेगी। और ये ठाकरे क्या कर रहे हैं? ये तो सत्ता के लोभी लोग हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह का कहना है कि महाराष्ट्र में एक सांसद और एक विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया है, मगर देश में एक कानून होने के बाद जब एक समुदाय के लोग सड़क पर आकर नमाज पढ़ते हैं तो उन पर कोई कानून क्यों नहीं लागू होता, मगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर एक व्यक्ति के, अगर राणा जी जो हमारे सांसद हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। देखिए, हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश का एक कानून है, और वो कानून हर धर्म के लिए बराबर है। आज एक धर्म के लोग जब सड़क पर आके नमाज पढ़ते हैं, जब सड़क पर आके वो अपने रमजान में अपने अल्लाह का आदर सम्मान करते हैं, तो उस पर कोई कानून नहीं होता। और जब
हमारा एक हिंदू भाई आके हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए समान है, और हमारा देश का संविधान इसकी हमें इजाजत देता है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपने देवताओं का, अपने भगवान का आदर कर सकें, सम्मान कर सकें, उनकी पूजा कर सकें। आज जिस प्रकार के महाराष्ट्र के कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता समझते हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, आज उनकी मानसिकता देख के ये साफ हो गया है कि वो वास्तव में हिंदुओं का विरोध करते हैं, और उनके मन में एक जाति समुदाय के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए असम प्रेम और असम उनके लिए सम्पैथी है, जिसके कारण आज वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार चला रहे। भाजयुमो जिला महामंत्री विदित शर्मा ने कहा कि क्या देश में हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है? क्या कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? एक महिला उत्पीड़न और एक विधायक उत्पीड़न का कार्य किया गया है, और हम वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो महाराष्ट्र के अंदर एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, महाराष्ट्र की सरकार उद्धव सिंह ठाकरे के नेतृत्व में जो एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है, एक पार्लियामेंट में जाता है, जनता के भाव को उन्होंने स्वीकार किया। और क्या इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर क्या आम जनमानस कहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? क्या महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी? उन्होंने वास्तव में दिखा दिया महाराष्ट्र सरकार ने कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं एक सांसद, एक विधायक जो कहीं ना कहीं जनता के चुन के आते हैं, उन दोनों को उन्होंने जेल भेजने का काम किया, एक महिला उत्पीड़न करने का काम किया, एक विधायक का उत्पीड़न करने का काम किया। निश्चित हम आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक देश के अंदर महिलाओं के साथ जिस प्रकार की कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक जगह महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की घटना करने का काम करते हैं उद्धव सिंह ठाकरे, उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग करते हैं।